सो गाइस, अगर आपके साथ भी ऐसा हो गया है, जो आपका माइक है, जो कि मेरे पास है यहाँ पे बोया का माइक, आपका जो बोया का माइक है आपके जो DSLR में अच्छे से काम नहीं करता है, मतलब आपके जो DSLR में काम नहीं कर रहा है और आपके फ़ोन में जो है ये काम कर रहा है, तो इस माइक को आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने DSLR में। तो आप लोग का पहले जो माइक जो है यहाँ पे ये काम कर रहा था, बट ऐसा हो गया है कि आपके DSLR में जो है काम ही नहीं कर रहा और स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ऑफ, और आपके मोबाइल में जो है 100% वर्क कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों को कैसे करना है, तो आप इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और आपकी ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बगैर टाइम बताए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को अपना जो DSLR में माइक है जो कैसे यूज़ करना है, आप लोग कैसे अपने DSLR में जो है माइक की जो है यहाँ पे आवाज़ ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए जो ये मेरा माइक है, यहाँ पे जो इसकी बैटरी थी, यहाँ पे अगर आपका जो मतलब यहाँ पे माइक है, अगर आपके साथ मतलब ऐसा होता है कि आप पहले जो अपने मतलब माइक पे इस टाइप से अगर लगा के देख लीजिएगा, अगर आपकी आवाज़ वहाँ पर DSLR में आपके आती है तो आपका जो माइक है यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। सिर्फ आप लोगों को एक सेल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊँ तो ये मैं ऑफलाइन से परचेस नहीं कर रहा था, मैंने ये ऑफलाइन ही लेकर आया था, तो मुझे 10 सेल ₹50 के यहाँ पे पड़ गए थे। वैसे आप लोग मंगाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा महंगा मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा घड़ी वाले की दुकान पर आप लोग को ये सेल मिल जाएंगे ऑफलाइन में। तो मैंने यही सेल इसमें जो है इसके अंदर डाला है और मेरा माइक जो अच्छे से वर्क कर रहा है। दूसरी प्रॉब्लम आप लोगों की अगर यहाँ पे जो आप लोगों की आ सकती है, जो कि आप लोग का यहाँ पे गाइस, जब मैंने इसके अंदर माइक में मतलब ये जो डाल लिया था, जो कि इसकी बैटरी जो है यहाँ पे, ये जो दूसरी बैटरी ली थी मैंने, इसको बैटरी बोलते हैं, छोटी सी सेल होता है ये, तो इसको डाला है मैंने। और देख सकते हैं आप जो मेरा माइक अच्छे से काम कर रहा है, मेरी 2-3 वीडियो आप लोग देखेंगे तो जाके वो मैंने मोबाइल में वीडियो जो है बनाई थी, मतलब रिकॉर्डिंग शूट करी थी और वीडियो DSLR में बनाता था, तो अब मैं डायरेक्टली अपना माइक जो है यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इसी की मदद से, दूसरे सेल डालने के बाद। तो आप लोग को यहाँ पे अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं करा अभी तक तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले फीचर के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।